एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते रुक करते आज की पहली बड़ी खबर खबर सदर इलाके से, जहां हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विकास भवन से निकाली गई तिरंगा यात्रा सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान एवं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विकास भवन से मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहरा ने तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के माध्यम से जनसामान्य को अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाने का संदेश दिया गया। सीडीओ ने जिले के तमाम लोगों से प्रत्येक घरों में झंडा लगाने के लिए अपील किया है। यह तिरंगा यात्रा प्रतापगढ़ के विकास भवन से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया, इसके बाद इसका समापन किया गया, जिसमें तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के कार्यालय का किया गया कायाकल्प। संगठन के भवन का जनपद न्यायाधीश ने किया उद्घाटन। बता दें कि प्रतापगढ़ जिला कचहरी परिसर में स्थित जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के कार्यालय का कुछ दिन पहले कायाकल्प कराया गया। संगठन के कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को जनपद न्यायाधीश अब्दुल शहीद, डीएम संजीव रंजन, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा अधिवक्ताओं को संबोधित किया गया और बताया गया कि अधिवक्ता देश का और समाज का एक ऐसा अंग है जो देश की दशा और दिशा बदल सकता है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपने कार्यों को ठीक ढंग से करने के लिए अपील किया गया। इस दौरान प्रतापगढ़ जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के अध्यक्ष रोहित शुक्ला के अलावा जिले के तमाम अधिवक्ता भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां अपहरण दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बता दें कि बागराय थाना क्षेत्र के गोगौर मोड़ से मुखबिर खास की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपहरण दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सत्येंद्र कुमार पुत्र राम किशन निवासी ग्राम धनवासा थाना बागराय है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां एसपी ने पुलिस लाइन से यूपी 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा के लिए किए रवाना। बता दें कि एसपी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा पुलिस लाइन से यूपी 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान प्रतिचार निरीक्षक और अन्य सभी अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुलिस लाइन से 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा के लिए रवाना किया गया। यह तिरंगा यात्रा प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन से होते हुए पूरे शहर में और ग्रामीणांचल इलाकों में भ्रमण किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां हाल ही हाल में मनाई गई विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य रहे मुख्य अतिथि। दरअसल शहर स्थित हादी हाल तुलसी सदन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अमरपाल मौर्य सभा सदस्य पहुंचे, जबकि विशिष्ट अतिथि रूप में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य शामिल हुए। मुख्य अतिथि अमरपाल मौर्य ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। भारत के विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। मौर्य ने कहा कि यह दिन भारत के लिए संघर्ष और बलिदान का प्रतीक, हर भारतीय को इस दिन को याद रखना चाहिए। याद रखिए, कांग्रेस की नीतियां ही हैं कि आज वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ी भारतीय जमीन का मालिक है जो धर्म के आधार पर है।